अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 1 बज रहा है और मैं उठी हूँ तकरीबन 12 बजे। एक घंटे में मैंने शोर लिया है और तैयार हो चुकी हूँ कहीं जाने के लिए। कहाँ जा रही हूँ तो वो आपको मेरे साथ पता चल जाएगा। हम तो अभी मैं जा रही हूँ, देखती हूँ आज मैं कैसी लगती हूँ ना। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि यार मुझे बस ब्राइड बनना है। वैसे रियल लाइफ में बनो लेकिन ऐसे ज़रूर बनना है। सक्सेसफुल पर्सन। तो आज मैं देखूँगी खुद को कि यार दुल्हन बनने के बाद कितना हुस्न आता है मुझ पर। सो आप भी मेरे साथ रहिएगा और आप भी मेरे साथ देखिएगा कि क्या होता है। ओके जी, तो मैं पहुँच चुकी हूँ आयशा सैलून पे। तो अब हम अंदर जाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये मेरा ड्रेस है जो कि मैं अभी पहन के आपसे मिलती हूँ। अभी सिर्फ दुपट्टा सेट होना है और उसके बाद फुल तैयार और लेंसेस लगाने हैं। कैसी लग रही हूँ मैं? वो म्यूजिक तुम ढूंढ के दो ना। ओके जी, तो मैं फुल तैयार हो चुकी हूँ, दुपट्टा वगैरह सब सेट हो चुका है और अभी हम जाएंगे हमारी लोकेशन पे जहाँ हमारा शूट होगा। फिर मिलते हैं वहाँ पे, शूट पे चल के मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं लोकेशन पे पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे मेरा शूट हो रहा है जो कि अफ़ान कर रहे हैं। और मेरे साथ 3 और मॉडल्स थी, मायों की और वलीमे की और मैं बारात की मॉडल थी। तो ये मेरे साथ बैठी हुई हैं, हम तीनों थे। और इसके बाद हमारा शूट हो चुका है फाइनल और मेरे साथ उमेमा है। उमेमा वलीमे की दुल्हन बनी थी। और कैसा रहा आपका शूट? बहुत अच्छा और मुझे ज़ारा से मिलकर बहुत मज़ा आया। मुझे भी हो रही है। आ चुकी हूँ अपने घर पे और इसी के साथ हम अपना व्लॉग आज का एंड करेंगे। और शूट पे मुझे बहुत अच्छा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। फोटोग्राफर भी बहुत अच्छे थे और सैलून, जिस सैलून के साथ मैंने आज शूट किया वो भी अच्छी थी। ऑनर भी अच्छी थी जिन्होंने मेरा मेकअप किया। मुझे मेकअप बहुत अच्छा लगा और बहुत मुश्किल से मैंने मेकअप उतारा है, अभी तो थोड़ा थोड़ा उतरा भी नहीं है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और सैलून की डिटेल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर किसी को भी हैदराबाद में जाना है। मैं इनका अपना बाद में इनका लोकेशन है, इनकी लोकेशन है, मैं इनका नंबर भी ऐड कर दूंगी, इनके सैलून का नाम भी, तो आपको पता है जो कि आपने आगे देख लिया है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।